तो गाइस यार इस वीडियो में हम लोग फ्रीडम फाइटर मास्टर या सूर्य सेन को वॉल पेस्टल से कलर करेंगे। तो पहले वाले वीडियो में इसका आउटलाइन किया था, आप लोग नहीं देखा हो तो देख लेना इस वीडियो के बाद। तो गाइस चलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, कैसे मैं कर रहा हूँ, कुछ सीखना हो तो, कुछ जानना हो तो भाई साहब, तो एक एक स्टेप को मैं धीरे धीरे बताऊंगा और आप लोग सुनते जाना है। तो भाई साहब चलो शुरू करते हैं, और भाई आप भी करके देखो, बहुत मजा आएगा भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ भाई आपको सीखने को भी मिलेगा। और पहले तो आपको जो डार्क कलर है, ब्राउन कलर, वो मैं यूज करूंगा। और भाई ये जो ब्राउन कलर है, इसको पूरा फेस में जो जो डार्क एरियाज है उसको पहले हल्के हाथों से एकदम दे देना है। फिर देखो जो लाइट जो येलो कलर है उसको उसके ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा करके एकदम दे रहा हूं, और ऐसे ही स्किन कलर आएगा। तो उसके बाद जो हम कलर यूज करेंगे वो है ऑरेंज कलर, और ऑरेंज कलर को भाई सिंपली उसके ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा कर देना है। आपको फोटो देखना है, फोटो के साथ साथ जैसे जो एरिया डार्क है वो पहले मैं कवर कर रहा हूँ, तो ऑरेंज कलर भी उसके ऊपर दे देना है। और भाई जो लाइट पीच जो स्किन कलर बोलते हैं उसको एकदम पूरा उसके ऊपर और लाइट एरिया दोनों में दे देना है। मैं ये यहाँ पर जो है लाइट एरिया इसको व्हाइट कलर से कलर कर रहा हूँ, और नेक्स्ट मैं यूज करूंगा जो है कॉटन बर्ड, जो ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज करूंगा, ईयरबड जिसको बोलते हैं। तो ब्लेंडिंग के लिए सिंपली जो है कॉटन बर्ड को फेस के ऊपर हल्का हल्का करके घिस दे रहा हूँ, और इससे क्या होगा कि जो हाइलाइट्स है वो थोड़ा कम हो जाएगा थोड़ा, तो बाद में हम व्हाइट कलर को भी यूज करेंगे। और व्हाइट और जो डार्क है ये कोई भी चीज उठा लो बहुत मायने रखता है। और भाई व्हाइट कलर देने के बाद जो है उसके एजेस पर थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंडिंग करना है, जो डार्क और लाइट का मिडिल पार्ट है उसको ब्लेंड करना है। और भाई मैं यहाँ पर जो है चारकोल पेंसिल के यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी कलर पेंसिल का भी यूज कर सकते हो। तो हेयर को करने के लिए सिंपली जो डार्क ब्राउन कलर है उसको यूज कर रहा हूँ, और उसके ऊपर ऊपर से ब्लैक कलर का भी यूज करूंगा, और हाईलाइट के लिए मैं स्क्रैच टूल का यूज करूंगा। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। तो बैकग्राउंड को कलर करने के लिए सिंपली हम जो हमारा भारत का तिरंगा है उस कलर से हम कलर करेंगे, तो बैकग्राउंड एकदम मस्त सा लगेगा।
तो गाइस यार देख सकते हो आर्टवर्क्स हो गया एकदम कंप्लीट और ऑयल पेस्टल से एकदम कैसा रिजल्ट आया वो आप देख सकते हो और घर पर आप भी ट्राई करना। और भाई आर्टवर्क्स कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स में बता देना और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो भाई मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब देख के लिए जय हिंद जय भारत।